हेलो गाइस, इंजीनियरिंग्स ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक भाई हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से हैं, विवेक सिंह जी। तो हमें कुछ नॉलेज देंगे, इनके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारे पेपर इन्होंने दिए भी हैं, क्वालिफाई भी दिए, MP सब इंजीनियर का पेपर भी दिया है, इनके मार्क्स भी अच्छे हैं। तो इनसे अपन डिस्कस करते हैं इनका पेपर कैसा गया था और स्टूडेंट्स के लिए क्या सेप स्कोर रहेगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें इनने अपनी लाइफ में कैसे स्ट्रगल किया, कितने पेपर दिए और इनके कॉन्टैक्ट वाले ने जॉब भी लिए, वो किस प्रकार से जॉब लिए। तो नमस्कार भैया, जयराम जी की जय हिंद। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ तो सर बताइए, आप अपने बारे में बताइए पहले तो, आपका नाम वगैरह जो भी आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। मेरा नाम सर विवेक सिंह है, मैं सतना जिले से बिलोंग करता हूँ। जी सर। और जो पेपर देने की हिस्ट्री है हमारी, वो 2017 से स्टार्ट हुई थी। 2017 में हमने पहला सब इंजीनियर का दिया था इलेक्ट्रिकल का, और जी सर। 2018 का भी दिया था, और 2018 में एक MPB JEE का भी दिया था, जी सर। एक भोपाल डिवीजन का और एक जबलपुर डिवीजन का। सर आप प्रॉपर और कहाँ से इसके बिलोंग बाद करते हैं? SSC JEE भी दिया हमने। प्रॉपर कहाँ से जी बिलोंग सर, करते हैं सर? सतना जिले से हैं सर। सतना जिले से। सर आपने मतलब 2017 से पेपर देना शुरू किया, आपका BTEC या फिर आपका डिप्लोमा? सर दोनों है हमारे, डिप्लोमा भी है, अच्छा BTEC भी है। ठीक है सर। तो आप बताइए, व्यापम के पेपर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका पहले तो जो बताइए आपका कैसा गया, फिर आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या सेप इसको समझते हैं। सर टेक्निकल की जहाँ तक बात करें तो टेक्निकल में हमारे 85+ ही हैं। टेक्निकल तो अच्छा गया हमारा। जी सर। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे फेज एंगल वगैरह निकालना था, तो विदाउट कैलकुलेटर पॉसिबल नहीं था। एक आध दो क्वेश्चन ऐसे थे कि विदाउट कैलकुलेटर पॉसिबल नहीं था, तो वो नहीं हो पाए। और कुछ नेटवर्क के लेंदी सवाल थे, और बाकी तो ईजी ही था। तो मैंने टेक्निकल अटेम्प्ट किया था सर, 20 क्वेश्चन ऊपर के छोड़ के, सर कुल मिला के कहना चाहिए तो 121 से स्टार्ट किया था। क्यों ऐसा क्यों किया आपने? अच्छा ऐसा इसलिए किया कि वो 20 क्वेश्चन ऊपर के हमेशा टफ डाल देते हैं सर, जी। तो बाद में तो वो अटेम्प्ट हमारा किया होंगे तजुर्बा है आपने, इनका। बाद में तो अटेम्प्ट किए हो ना हाँ पूरे, बाद आपका में अटेम्प्ट किए। तो माइनस मार्क तो हाँ थोड़ी पर है। क्या होता है इतने में, नहीं, वो उसकी दिक्कत नहीं थी। वो क्या होता है, वो शुरू में ही कंफ्यूज कर डालते हैं सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल और शुरू में ही कंफ्यूज कर देते हैं, मैंने मेरे तो पास मैंने ऐसा किया। जी सर, जैसे मेरे पास काफी स्टूडेंट का गूगल फॉर्म से डाटा है, मैं बहुत हूँ कॉल लगा के पूछा, वो कहला सर टिपिकल पेपर आता है इस बार, अभी तक कहता है टिपिकल पेपर एक ही बार नहीं आया। सर कन्वेंशनल क्वेश्चंस नहीं आए, क्वेश्चन ऐसे थे कि आपका वो कॉग्निटिव माइंड चेक कर रहे थे कि आपको मतलब आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट कैसा है, मतलब ऐसा चेक कर रहे थे सर। बाकी चार सब्जेक्ट से ही सारा क्वेश्चन उन्होंने दे दिया सर, जैसे सिविल में हुआ तो वैसे इलेक्ट्रिकल में भी किया इन्होंने। अच्छा मैंने गूगल फॉर्म मेरे पास आया था, मैंने अपने हिसाब से कट ऑफ का एनालिसिस बताया, तो मैंने जो जनरल की कट ऑफ थी वो मैंने 145 बताई थी, और OBC की जी वन जी फोर्टी थ्री और EWS की थोड़ी मैंने कम बताई थी, 3 नंबर 140 के आसपास, और STSC की मैंने 133 बताई थी। तो लगभग मेरे जी पास सर डाटा मैंने उसके हिसाब से बताई थी, आप बताइए आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या कहो, कितनी क्या कट ऑफ जाएगी? सर मैं थोड़ा हिस्ट्री पे चलूंगा, 2017 से स्टार्ट करूंगा मैं। थोड़ा हाँ रिलेवेंसी है, ऐसा नहीं है कि रिलेवेंसी हाँ नहीं है। 2017 में जो सर लोवेस्ट कट ऑफ गया था वो 136 गया था संविदा पोस्ट के लिए, वैकेंसी कितनी तो समय और पर? जनरल का जो वैकेंसी सर उस समय पे इलेक्ट्रिकल लगभग 70-80 के आसपास ही थी सर, हाँ वही ठीक है वही ना। और 2018 में मात्र 40 वैकेंसी थी इलेक्ट्रिकल की, और कट ऑफ गया था यूआर कैटेगरी का 153, और OBC का भी ऐसे ही गया था लगभग संविदा पोस्ट का 152 के आसपास। तो मात्र 40 वैकेंसी थी, और इसके बाद फिर 5 साल से पेपर हुआ नहीं। अब इस बार जो पेपर आया हुआ है वो पेपर जो है पिछले हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल, पहले कन्वेंशनल आते थे, इस बार कन्वेंशनल बिल्कुल भी नहीं था। और नॉन टेक्निकल की मैं बात करूं सर तो इंग्लिश से शुरू करेंगे। इंग्लिश में 7 क्वेश्चन उन्होंने वोकेबुलरी से दिया था सर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, 10th नवंबर सेकेंड शिफ्ट। तो इतनी स्ट्रांग तो इंग्लिश शायद ही किसी की रही होगी जो कि SSC लेवल की इंग्लिश पूछ के रखा था सर। इस बार हाँ इंग्लिश तो काफ़ी टफ लगी। 4 क्वेश्चन मुझे हिंदी के भी टफ लगे, हालांकि मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, 4 हिंदी के टफ लगे। साइंस के भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे कि वो शायद ही बने, बहुत ही टिपिकल थे। और मैथमेटिक्स सर कैलकुलेटिव था, ये जो मिक्सचर एलिगेशन शुरू में आ रहा था हम लोगों ने भी वही पढ़ा, सोचा कि वही देंगे, दिया नहीं उन्होंने। तो हमारे में लगभग 2 क्वेश्चन उन्होंने दे दिया था LCM SCF से, तो वो थोड़ा सर बोलते ट्रिकी थे, मतलब आप उन्हें बेसिक मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, तो ट्रिकी थे, फैक्टर्स वगैरह निकालने थे। तो यहाँ भी सर एवरेज ही रहा, 8-9 मार्क्स के आसपास ही रहे। रीजनिंग में ठीक गया हमारा, 11 से 12 मार्क्स हमारे रीजनिंग में है, रीजनिंग में ऐसा लग रहा है। और कंप्यूटर में सर उन्होंने 10 नंबर की सेकंड शिफ्ट थी मेरी, उसमें नेटवर्किंग दे डाली सर इन्होंने, नेटवर्किंग एंड प्रोटोकॉल्स, ये हाँ बेसिक कंप्यूटर से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो ये बेसिक कंप्यूटर तो कर ही लेंगे, चूंकि पढ़ के रखे हाँ हुए हैं ये, सही है। ठीक है ना सर। माइक्रोप्रोसेसर वगैरह रहता है, तो
उन्होंने नेटवर्किंग और प्रोटोकॉल दे के रखा था, और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन थे सर ना, वो लगभग 17 से 18 क्वेश्चन थे। थोड़ा इन्होंने अपना प्रोटोकॉल तोड़ दिया, 14 14 क्वेश्चन का जो था उसको करके इन्होंने 17 18 कर दिया। ये चीज थी सर। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि जो 60+ मार्क्स नॉन टेक्निकल में जो बना पाया होगा, अभी जीके का सेक्शन अभी छूट गया था, मैं वो बता देता हूँ। जीके में एमपी जीके बिल्कुल भी नहीं था, वहाँ पे सभी का तुक्का ही गया है और मेरा भी तुक्का ही गया। मुझे ऐसा लगता है कि 4 5 नंबर मिले होंगे टोटल 14 में से, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है 60+ यदि आप कर पा रहे हो, मतलब नॉन टेक्निकल में, और 85 टेक्निकल में कर पा रहे हो आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कट ऑफ से ऊपर हो, मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो गए आप यदि 85 कर पा मतलब रहे आप हो टेक्निकल में। दोनों पोर्शन का मिला के बता दो, ये आपके हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है? हालांकि देखो सर व्यापम मुझे का एक ऐसा ऐसा लगता है सिस्टम कि है, व्यापम के एक्यूरेट को नहीं बता सकता, अपना अनुमान है एक, तो अनुमान आपका कितना जाएगा? सर अनुमान मुझे ऐसा लगता है सर कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 146 145 या 146 के आसपास रहेगी सर, हाँ वही मैंने अपने यू आर डाटा, की। मेरे पास जो डाटा था इतना ही मैंने बताया अपने डाटा पर। हालांकि जब मेरे आपसे कोई बात नहीं होती, मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया आज 5 बजे, जी जी है ना, जी जी तो तो लगभग मेरे पास जो डाटा आया था गूगल फॉर्म मेरा का भी मैंने, एनालिसिस सर यहीं पे बिल्कुल आ रहा था। हाँ तो बहुत, मैं एक्चुअली मैं वीडियो अपलोड करने के पहले एनालिसिस करता हूँ, 2 3 दिनों में क्रम्स लगाता हूँ जो देखता हूँ, कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल भी रहती है उनको कॉल हाँ करके बात करता हूँ कैसी क्या शिफ्ट आई, और सबसे पूछता हूँ, तो उस आधार पर मैंने कट ऑफ बताई थी। हालांकि मैं नहीं कहता कि एक्यूरेट बता सकता हूँ, लेकिन मैं एक्यूरेट के लगभग पास में चला जाता हूँ जैसे भी करके अपने डाटा के हिसाब से। हाँ हाँ वो देखिए सर, अच्छा जैसे आपको भी काफी तजुर्बा है, आप भी बहुत एग्जाम देके रखे हैं, हाँ तो ऐसा नहीं है कि आप, हम लोग भी तो सिविल का कट ऑफ देखते हैं भैया कि कितना क्या मैकेनिकल का भी देखते हैं और इलेक्ट्रिकल का भी देखते हैं, अपना भी देखते हैं, तो ऐसा सही नहीं है सही कि अंदाजा नहीं रहता। पर इस बार इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी सर लगभग 90 है कोर इलेक्ट्रिकल की, और इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल लगभग 217 है, तो हाँ लगभग 3 गुनी वैकेंसी है सर पिछली बार की अपेक्षा, मतलब 2017-18 की अपेक्षा देखे तो 3 गुनी के आसपास वैकेंसी है। तो 145 जो है आपका वो मुझे एक्यूरेट लग रहा है सर, 145 से 146 यू आर, अच्छा आप 146 बताओ के अभी आप आसपास जो, होगी थी। हाँ जी, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी प्रेजेंट जॉब कर रहे हो, कितने पेपर आपने निकाले, कितने पेपर आप बाउंड्री पे गए, मतलब कुछ अपनी लाइफ के स्ट्रगल? सर एसएससी जेई में मैं 2 बार बाउंड्री पे गया, उस पे रिटर्न होता है तो 2 बार गया, अच्छा ओवरऑल में बाहर हो गया सर। प्री निकाल लिया आपने? हाँ वो सर हमने निकाला, लाइट चली गई सर। अच्छा लाइट चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए, आप कोई हाँ जैसा हाँ ठीक है भी। कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू रहेंगे। तो एसएससी जेई का सर गया था, 2 बार डीवी में आउट हुआ। आरआरबी जेई का जो था, जो दिया था 2018 वाला, तो इसमें सर 111 मार्क्स थे सर हमारे आउट ऑफ 150, निगेटिव मार्किंग भी थी इसमें। तो ये इसमें भी डीवी बाहर हुए सर, क्या था मुझे चश्मा लगता था, तो वो टीआरडी में एलिजिबिलिटी नहीं बन पाई हमारी, तो कहना चाहिए कि मैं मेडिकल में बाहर हो गया। और उसमें थोड़ा क्या था, 6x9 विजन चाहिए था, और मेरा थोड़ा उससे नीचे हो गया था उस टाइम पे, ठीक भाई, वही मतलब कुल हो मिला पाया के आप था। जो कहना चाहो, जो मैंने कट और ऑफ बनाई है वो लगभग एक्यूरेट है, और आपसे फिर एक बार दोबारा बात करेंगे अपन, हाँ सर जब रिस्पॉन्सिविलिटी आ जाएगी रिजल्ट आए उसके बाद भी आपसे जुड़े रहेंगे, ठीक है। और आगे अपने जो बहन भाई हैं, देखो जी जी सभी अपने, मैं सभी को छोटा बहन भाई या बड़ा बहन भाई मानता हूँ, जो भी मेरा रिश्ता है मेरे यूट्यूब पे, जो जी इतने भी इंजीनियर्स लोग जुड़े हैं और फिर जो भी बहन भाई जुड़े हैं, तो मैं एक एक चीज में जानता हूँ कि मैं हमेशा उनको मोटिवेट करना चाहता हूँ, और उनको एक्यूरेट जानकारी जो भी मेरे मेरे अकॉर्डिंग मेरे मैं दे सकता हूँ वो, मैं एक भी सिंगल ना तो फेक वीडियो मैंने बनाई ना कभी बनाऊंगा, मैं आगे भी मैं प्रोमिस करता हूँ खुद से और आपसे मतलब भी, ही है नहीं है सर, मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि देखो जो जी लाइफ जी में मैंने स्ट्रगल झेला है झूठी चीजों से, आप मैं बताऊँ एसएससी का ये मैं रिव्यू दे रहा था, तो ऑनलाइन में था, एक बंदा कह रहा था सर जीके बहुत टफ सिंपल आई है, एक रोहित यादव भाई करके था, तो उसने मुझे क्वेश्चन था हीराकुंड बांध कहाँ पे, के आर राहुल किस टीम से खेला, तब मैं उससे बोला भैया ऐसे चैनल नहीं देखो तुम, ऐसे देख के तुम कमेंट कर रहे हो सर आप गलत बता रहे हो, वो देखे आया था वो, ऐसे ऐसे कुछ कुछ लोग बाग ऐसे रहते हैं यूट्यूब पे, उनको पता नहीं क्या ना, उन्होंने 20 25 क्वेश्चन पहले ही सिलेक्ट कर लिए, इनको ही बताना हमें हाँ तो हाँ ठीक रहते हैं सर, क्या है सब है। क्लिक बैट वाला काम है, बस क्लिक करें और मैं बच्चे पहले और भी उनका अपने रेवेन्यू भाइयों से है। बोल चुका, कट ऑफ एक्यूरेट को नहीं बता सकता, ये एक अनुमान में गया, अगर आपके इसके आसपास आ रहा है तो आप थोड़ा बेफिक्र रहे हैं और अपनी तैयारी का भी बंद ना करें, ठीक है भाई। तो अभी भाई से सी के हाँ साथ हाँ सर बता लेते हैं, ठीक है विवेक भाई, धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आए, और आपसे एक बार फिर कभी बात होगी और अच्छा लगा आपसे बात करें, ठीक है भाई, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू भाई।